हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहिणी और मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बारिश का मौसम है, गर्मा गर्म सूप पीने का ज़रूर मन करता है। और अगर सूप की बात हो तो सबका फेवरेट मोस्टली टोमेटो सूप ही रहता है। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी आज हम देख लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें लगेगा बटर, टमाटर यहाँ पर 3 से 4 लिए हमने, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, बारीक कटा हुआ प्याज, काली मिर्च पाउडर, 1 तेज पत्ता, छोटी सी दालचीनी और 2 लौंग, नमक स्वाद के अनुसार, ये चीनी है हमने पीसी हुई चीनी, कॉर्नफ्लावर और थोड़ी सी क्रीम, वो भी हमने फेंट ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बटर डालेंगे। बटर नहीं हो तो घी भी चलेगा। अब हम इसमें लहसुन, कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ अदरक डाला है हमने, और प्याज डालेंगे हम और अच्छे से भून लेंगे। खड़े मसाले डालेंगे, 1 तेज पत्ता, दालचीनी और लौंग 2। अब हम इसे सुनहरा रंग आने तक इसे भूनना है हमें। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालिए। हरी मिर्च हमने यहाँ पर ज़्यादा नहीं यूज़ की है, बस एक हमने मिर्च यहाँ पर यूज़ की है, क्योंकि हमें सूप ज़्यादा तीखा नहीं रहता, वरना हम पी नहीं सकते उसको। इसके बाद हम 3 से 4 हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उसे धो के हमने काटा है, तो वो डाले हमने और अच्छे से भून लेते हैं। जब तक के टमाटर सॉफ़्ट नहीं हो जाते तब तक हमें इसे भूनना है। टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट होने के लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच इसमें नमक डाला है। अब हम इसे ढक देते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर टमाटर गल चुके हैं। और 2 मिनट तक हम इसे रखेंगे। तो यहाँ पर टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें से जो खड़े मसाले हमने डाले थे वो निकाल लेते हैं, तेजपत्ता, लौंग और दालचीनी, क्योंकि हमें सिर्फ उसका फ्लेवर चाहिए, वो तो इसमें आ चुका है। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो इसका फाइन हमने पेस्ट बनाया है और ये हम छन्ने में से छान लेंगे अच्छे से, ताकि टमाटर के जो बीज वगैरह हो वो सब निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और ये अच्छे से हमारा पेस्ट रेडी है। ये टमाटर का पेस्ट अब हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे और जितना चाहिए हमें उतना हम पानी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 ग्लास पानी डाला है और काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी शुगर पीसी हुई और थोड़ा सा नमक। अब हम कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी डालकर उसका अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। कॉर्नफ्लावर हम थिकनेस के लिए यूज करते हैं। अब इसे भी उबाल आ चुका है तो इसमें हम कॉर्नफ्लावर की पेस्ट डालेंगे। आप देख सकते हो बहुत अच्छा इसे थिकनेस आया है। कलर के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर यूज़ किया है। कलर टोटली ऑप्शनल है, नहीं यूज़ किया तो भी चलेगा, क्योंकि हम ये होटल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा कलर डाला है। कलर के जगह पर आप इसमें बीटरूट भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसे उबलने देते हैं और ऊपर से हम थोड़ी सी फेटी हुई क्रीम डालेंगे।
वाओ, इट लुक्स सो यम्मी। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसका थिकनेस कितना एकदम मस्त आया है, और ये देखते ही खाने का मन कर रहा है। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ये ब्रेड को हमने बटर पे थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, और इसके हमने छोटे छोटे पीसेस काट के लिए हैं। अब हम टोमेटो सूप हमारा सर्व करेंगे, और ब्रेड क्रम्स डालकर हम इसे टेस्ट भी करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना, और आपको ये टोमेटो सूप कैसे लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही नई नई रेसिपीज आपको देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।